फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को स्केल की हेल्प से स्केल को देखिए, मैंने जैसे प्लेस किया हुआ है वैसे ही आप लोगों को प्लेस करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का। मैं आपको मेजरमेंट बताता जा रहा हूँ तो आप बहुत केयरफुली सुनिए। 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन को जिस तरह से ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप लोगों को एक और 4.5 सेंटीमीटर का इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसके यहाँ पर नीचे साइड से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो कि इसके जॉइंट को कनेक्ट करेगा। तो ये हमने कर लिया। नाउ गाइस, आप लोगों को यहाँ पर इस जगह से कुछ इस तरह का एक कर्व ड्रॉ करना है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर लीव करके यहाँ से एक और थोड़ा सा कर्व ड्रॉ कर देना है। इससे हम लोग दो बोन्स कनेक्टेड ड्रॉ करेंगे। तो अब वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक करके। आप सिंपली, अगर आपने अभी तक ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए। काफ़ी सिंपल है इसे ड्रॉ करना। मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ कर रहा हूँ इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ना गाइस, आप लोगों को यहाँ से कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए एक बोन ड्रॉ कर लेने, जैसे मैंने की है यहाँ पर। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है और फिर फोल्ड करना है ऊपर की तरफ को इस लाइन को, और यहाँ से कनेक्ट कर देना है। सेम इसी के बिल्कुल स्ट्रेट पर नीचे हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो कि मैं जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल सेम आप लोग मुझे फॉलो कर पाएँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने जॉइंट तो ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसका लेगामेंट को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो लेगामेंट को हम लोग कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग भी सेम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आपको किसी डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अब लेगामेंट ड्रॉ करने के बाद आपको इसे शेड करना है। देखिए, जैसे मैं शेड कर रहा हूँ, पेंसिल को थोड़ा सा आपको टेढ़ा प्लेस करना है और फिर स्पीड में और हल्के हैंड से, बिल्कुल लाइट हैंड से आप लोगों को शेड करना है। सिर्फ नीचे साइड का पोर्शन शेड करना है, ऊपर साइड का नहीं करना है। तो ये मैंने यहाँ पर शेड कर लिया। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, शायद आपको क्लियरली शो ना हो रहा हो इसलिए मैं डार्क कर देता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल लाइट शेड करना है। अब ऊपर साइड इसके आपको ऊपर साइड के रीजन पे करना है शेड, आधे ही पार्ट पे शेड करना है, पूरे में नहीं करना है। अब यहाँ पर नीचे वाली बोन में आपको नीचे के पार्ट में शेड करना है। ये हमने शेड कर लिया। तो गैस, ये हमारा डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसकी यहाँ पर फर्दर लेवलिंग कर लेता हूँ। अभी मैं इसे 3 to 4 सेंटीमीटर प्ले कर देता हूँ ताकि अगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा हो तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। देन गैस, हम लोग फर्दर लेवलिंग करेंगे। आफ्टर गैस, ये हमारा लेवल डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।